तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बात चोजू इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के पांच सबसे बड़े गैंगस्टर की, या आप इनको बाहुबली भी कह सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम आपस में जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं मुन्ना शुक्ला और विजय कुमार शुक्ला, जिसपे 20 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। दोस्तों, मुन्ना के बड़े भाई छोटन शुक्ला बिहार का बहुत बड़ा बाहुबली हुआ करता था, परंतु 1994 में पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद मुन्ना शुक्ला ने अपने बड़े भाई का बागडोर अपने हाथ में ले लिया और भाई के शव यात्रा में ही उसने गोपालगंज के डीएम की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद मुन्ना शुक्ला का नाम बिहार में बहुत तेजी से फैला और बिहार की जनता उससे खौफ खाने लगी। फिर बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या में भी उसका नाम आया। इसके बाद उसने एक बहुत बड़े बाहुबली गैंगस्टर सूरज भान सिंह के साथ आपराधिक काम करना शुरू किया और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। चौथे नंबर पर आते हैं सूरज भान सिंह, जिसके नाम पर 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। 80 के दशक में तो उन्होंने छोटे मोटे अपराध शुरू किए, लेकिन 90 के दशक तक आते आते मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे गंभीर अपराध करना शुरू कर दिया। इनके क्राइम की दुनिया में आने से इनके पिता नाराज थे। एक दिन तो उन्होंने अपने पिता के मालिक से ही रंगदारी मांगी, जिससे उनके पिता नाराज होकर शर्म से उन्होंने गंगा जी में डूब कर अपनी जान दे दी। मोकामा के बाहुबली अशोक सम्राट और दिलीप पांडे के साथ गैंगवार पूरे देश में फेमस हुए। इसमें सूरज भान ने बहुत रिलेटिव्स और दोस्तों को भी खो दिया। सूरज भान एक बार JDU और दो बार LJP के विधायक भी रहे। ये अभी जेल में हैं और इनकी पत्नी BJP से विधायक हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन बिहार के बहुत बड़े नेता भी हैं। ये 4 बार विधायक और 1 बार MP भी रह चुके हैं। इनको बेस्ट परफॉर्मिंग MP भी बोला गया। ये RJD रूलिंग टाइम में लालू के राइट हैंड और भविष्य के चीफ मिनिस्टर माने जाते थे। 2015 में इन्होंने जन अधिकार पार्टी नाम से अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी खोली। बॉलीवुड मूवी गंगाजल पप्पू यादव और उनके चाचा अर्जुन सिंह पर ही आधारित है। दूसरे नंबर पर हैं अनंत सिंह। इन पर 40 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अनंत सिंह JDU से 3 बार MLA रह चुके हैं और नीतीश कुमार के खास लोगों में से रहे हैं, लेकिन एक किडनैपिंग केस में जेल जाने के बाद ये नीतीश कुमार से नाराज होकर JDU छोड़ दिया। लालू यादव के राज में यादवों का भूमिहार लोगों पर अत्याचार के खिलाफ ये खड़े हुए थे और यादवों के साथ गैंग वार शुरू किया था, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। लोकल लोग इनको छोटे सरकार भी बुलाते हैं। 2007 में एक रेप केस के बारे में इंटरव्यू लेने आए NDTV और CNN के रिपोर्टर को बंदी बनाने का आरोप है इन पर। 2019 में एक छापे में इनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार बरामद हुए थे। पहले नंबर पर हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये बिहार में आतंक का दूसरा नाम है। लालू के गुंडा राज का सबसे बड़ा गुंडा यही रहा है। सिवान और छपरा में इनका एक तरफा राज रहा है। इन्होंने जवानी से ही पॉलिटिक्स में खासा इंटरेस्ट दिखाया और फिर RJD के साथ जुड़कर 3 इलेक्शंस भी जीते और बिहार के मंत्री भी रहे। अभी ये कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के एक नेता के गायब होने के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इन पर 20 अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेताओं के गायब करने का आशंका है। इन पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, बट पुलिस का मानना है कि बहुत से केस रजिस्टर ही नहीं हुए और उनके प्रतापपुर पैलेस में 100 से ज़्यादा बॉडीज दबी। 2001 में पुलिस ने जब वहां छापा मारने की कोशिश की थी तो शहाबुद्दीन 3 पुलिस कार जलाकर भाग निकला,
जिसमें 3 पुलिसमैन की मौत हो गई थी। साहबुद्दीन अभी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।